नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट करने का सोच रहे हो, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया के बाहर से आप इंडिया में मंगवाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। आज मेरी कोशिश इस वीडियो में यही रहेगी कि मैं स्टार्ट टू एंड आपको इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर समझा सकूं, ना हो कि हम बहुत ज्यादा डीप में ना जाएं, वो हम बाद के वीडियोज में कवर करेंगे। लेकिन एक प्रोस्पेक्टस जो होता है इंपोर्ट प्रोडक्ट करने का, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग बैच के अंदर इंपोर्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक कर सकते हो, और क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो आपको इंपोर्ट के लिए बनाने पड़ते हैं, और किस तरीके से उसके आगे आप वर्किंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और जो हमेशा अपने दिमाग में एक ही रोग, या मैं जिसको रोग कहूं, बीमारी कहूं, भूत कहूं, पाल के रखते हैं कि बायर कहां मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा, बायर हमसे क्यों डील नहीं करता है। ये एक्चुअली जब वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। अगर आज का वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बायर आपको खुद ढूंढेगा अगर आपने ये सारे स्टेप्स किए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले, आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जिस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले कस्टम ड्यूटी कम हो, फर्स्ट थिंग। क्योंकि कस्टम ड्यूटी जब ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो आप इंडिया के मार्केट में उससे कंपीट नहीं कर पाओगे, और अगर आप कंपीट नहीं कर पाओगे तो आप जो मटेरियल मंगा रहे हो वो आपका स्टोर हो जाएगा, एक तरीके से सेल नहीं होगी, और हो सकता है आपको कम दामों में बेचना पड़े जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले जो भी मार्केट रिसर्च, में इसे यही कहूंगा कि मार्केट रिसर्च के अंदर सब, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमें कंट्री देखनी चाहिए। मैं कहता हूं सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को देखिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट इंडिया के हिसाब से एक कल्चरल बेस पे आपको चाहिए, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो, और जिस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में बहुत कम हो। ऐसा प्रोडक्ट आप किसी भी कंट्री से मंगवा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, सेकंड स्टेप के ऊपर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसकी ड्यूटीज सेक्टर्स हैं वो एक बार जरूर कंफर्म कीजिए, क्योंकि ड्यूटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंटली आप सभी लोगों को मालूम है कि यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। अब कल परसों की ही बात है, मैं कुछ न्यूज देख रहा था तो ज्वेलरी आइटम्स जो है उनके ऊपर यूएसए और चाइना जो था उनका जो भी ट्रेड था उसके अंदर उन्होंने पहले आई थिंक 10 to 15% के बीच का स्लैब था, बट ये ट्रेड वार के चलते उन्होंने एक्स्ट्रा उसके ऊपर 5 to 10% और इंक्रीज कर दिया। यानी अब ये जो ड्यूटी है वो 20 to 25% जा चुकी है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो चाइना के जो भी सप्लायर थे, जो यूएसए को सप्लाई कर रहे थे, जो भी मैन्युफैक्चरर थे, अब वो चाइना से माल कम लेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडियन ज्वेलर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ज्वेलरी में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया का जो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी का सेक्शन है, जो लाइबिलिटी है, जो स्लैब है, वो सिर्फ 5% का है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके से जब आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का सोचते हो तो उस टाइम पे आपका जो स्लैब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपके लिए मार्जिन ज्यादा होगा, और मार्केट के अंदर जितना आप मार्जिन दोगे उतना आप माल सेल कर सकते हो। नाउ द सेकंड स्टेप, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो उसे एक, हम कह सकते हैं कि होलसेल तरीके से सेल कर रही है, या जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पे ज्यादा है। तो ये कंट्रीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से देखना होगा। तो इस इन चीजों को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है, गूगल पे जब आप जाओगे तो वहां पे जब जैसे एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, एक्स वाई जेड,
मैन्युफैक्चरिंग स्टेट आप जब बोलोगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आप बोलोगे, या फिर आप एक डाटा शीट जब निकालते हो कि कौन सा देश है जो इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको गूगल के ऊपर से लिस्ट आउट वो चीजें हो जाएगी। तो इससे आप अपना कंट्री का सिलेक्शन कर सकते हो। कंट्री सिलेक्शन के बाद में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है अब यहां पे सेलर। जो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि जो लोग एक्सपोर्ट में ये सोचते हैं कि बायर कैसे मिलेगा, हमें बायर नहीं मिलते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एक बार जब आप इंपोर्ट करने के लिए सोचोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि बायर से ज्यादा सेलर मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सेलर मिलना। यहां पे जब आप सेलर ढूंढने को निकलते हो, अब आप लोगों की सर्चिंग मेरे पास में बहुत सारी जो क्यूरीज आई है अब तक, उनमें यही रहता है कि सर सेलर ऐसा है, सेलर वैसा मिल नहीं रहा, मैंने चाइना को बहुत सर्च किया, मैंने दुबई को बहुत सर्च किया, मैंने हंगरी को सर्च किया, मैंने जापान को सर्च किया। बट देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग समझ के रखिए, आप जिस कंट्री को सेलेक्ट कर रहे हो, मैं आपको एक सर्च प्रोसेस बता रहा हूं, ये मैं आपको इंपोर्ट के लिए भी बता रहा हूं और एक्सपोर्ट के लिए भी बता रहा हूं, कि अपने सर्च को थोड़ा और डीप में लेके जाइए। हमारा एक वीडियो था एक्सपोर्ट मार्केट रिसर्च का, उसमें मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। अगर आप लोग नए हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंट्री जब होती है उस कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं। चाइना मतलब ऐसा कोई छोटा सा कोई हब नहीं है, चाइना मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई गांव नहीं है, एक कंट्री है। जापान मतलब एक बहुत बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया मतलब एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब अगर आप सभी चीजों को एक साथ में करने की कोशिश करोगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहां से डाटा निकल पाना। अगर आपको डाटा निकालना है तो आपको उसके अंदर जाना होगा। आप पहले कंट्री लीजिए, कंट्री की सारी स्टेट लिस्ट बनाइए, उन स्टेट में से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हैं। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज जो हैं वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस कनेक्शन मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ इंडिया के लेवल पे सर्च करेगा तो वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए आपको स्टेट, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां की जो एक लोकेलिटी यूनिट जो होती है वहां तक आपको पहुंचना है। आपको 100% आपको सेलर भी मिलेंगे, आपको बायर भी मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जब आपको सेलर मिल जाता है उसके आगे का स्टेप यह है, अब आपको सेलर को आइडेंटिफाई करना है। तो सेलर को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो ये मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूं इस चीज के लिए कि बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप पैसा दोगे उसे। और जब आप पैसा दे रहे हो तो जो पैसा देने वाला होता है ना वो कुछ भी मांग सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज में, अरे सर मैं उससे ये डॉक्यूमेंट मांगूंगा तो वो देगा क्या? क्यों नहीं देगा भैया, अगर उसको माल बेचना है, अगर वो जेन्युइन बेसिस पे माल बेचना चाहता है तो वो क्यों नहीं देगा। मेरी एक एक्सपोर्टर है तो उन्होंने किसी से बात की थी, तो इंपोर्ट करना चाहते थे एक्चुअली, तो जब बहुत सारी पार्टीज की लिस्ट उनके पास में आई, सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो करीबन 10-15 पार्टीज उनके पास में उन्होंने लिस्ट आउट किया। लिस्ट आउट करके उन्होंने मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं। मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स बताए जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को एग्जिस्टिंग वीडियोस के अंदर, कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनसे मांगिए और बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट भी मांगिए। तो वो मुझे बोले सर वो देंगे क्या? बोला सर अगर जो देगा वही जेन्युइन होगा, जिसे बिजनेस करना होगा वो देगा, जिसे नहीं करना होगा, फ्रॉड करना होगा, वो नहीं देगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, उन्होंने सभी लोगों को बोला, उनमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए। जैसे एक बंदे ने उन्होंने बोला कि तुम्हारे $6,000 की डील के लिए मैं क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट तुमको दिखा दूं? यानी $6,000 की डील के लिए $6,000 मुझे नहीं लगता कम होते हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें लोग मिले जिन्होंने बोला नहीं नहीं हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, इतने डील होने के टाइम पे डॉक्यूमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई, और लेकिन जब उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, आप यकीन मानिए वो सारे के सारे फ्रॉड थे। और जिन लोगों ने जेन्युइन बेसिस पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने, जो मैं एक्सपोर्टर प्रोफाइल की बार बार मैं आप लोगों से बात करता हूं, जैसे ही उनको मेरे एक्सपोर्टर ने कहा कि सर मुझे आपकी एक्सपोर्टर प्रोफाइल चाहिए, उन्होंने तुरंत विद इन अ सेकेंड यहां पे मेल भी किया, उनको व्हाट्सअप भी किया, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भेजे। और जो एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये है कि बैंक ट्रांजैक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी के साथ में आप डील करो, उससे आप लास्ट 6 मंथ के बैंक ट्रांजैक्शन जरूर डिमांड कीजिए, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन में एक ये होता है कि बैंक ट्रांजैक्शन किस फ्लो में हो रहा है।
इससे आपको पार्टी का नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आ जाता है कि सिर्फ इनकमिंग ही तो नहीं है, आउटगोइंग अगर वो कहीं पर सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो फिर कैसे हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज होती है बैंक ट्रांजेक्शन के ऊपर, आप एक बिजनेस को बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हो। तो इसके लिए आप उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए सेलर को। तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जैसे ही डिटेल आती है उस कंट्री की एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट भेजिए, यानी उस कंट्री के अंदर हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, उनको वो डॉक्यूमेंट भेजिए, प्लस हमारी कंट्री में जो उस कंट्री के एम्बेसी है, जैसे आप चाइना की बात करते हो, चाइना में भी इंडियन एम्बेसी है और इंडिया में भी चाइनीज एम्बेसी रहती है, दोनों को आप मेल कीजिए और दोनों से क्रॉस वेरिफिकेशन करवाइए कि सर वी वॉन्ट टू स्टार्ट डील विद दिस कंसाइन, कैन यू कन्फर्म दिस थिंग। अगर वो लोग उसे कन्फर्म करते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है, हो सकता है वो बोले कि हाँ भाई नई पार्टी है, अगर नई पार्टी होती है तो फिर हमें उसे थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवा सकते हैं। बट अगर वो पुरानी पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टी है, अगर एकदम से सही पार्टी है, कहीं पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो आपको रिपोर्ट यही मिलेगी कि सर पार्टी इज ओके, यू कैन मेक योर डील स्मूथली, देयर इज नो सच काइंड ऑफ इश्यूज अवेलेबल इन दिस डील। तो दोनों तरफ से जब हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम उसके आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन जहां पे अगर इश्यू आए बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार, आपका पैसा जब तक आपके हाथ में है मानिए आपका है। मैं गोवा गया था एक बार, तो गोवा के बीच के ऊपर एक अनाउंसमेंट शुरू था। अनाउंसमेंट ये था जो वो कलिंगुट बीच है वहां पे, तो लोग पानी के अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने वो एक अनाउंसमेंट कर रहे थे, जब तक आपके पैर जमीन पे हैं तब तक आप सुरक्षित हो, अगर एक बार आपके पैर पानी के अंदर आ गए, यानी ऊपर हो गए, आप अगर ज्यादा चले गए और पानी के अंदर, तो इसका मतलब आपकी लाइफ डेंजर में है। उसी तरीके से दोस्तों बिजनेस के अंदर जब तक आपका पैसा आपके हाथ में है आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक बार ये पैसा गया आपकी जल्दबाजी की वजह से गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कीजिए, उनके वेबसाइट्स वगैरह चेक कीजिए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स देखिए, उनका सोशल स्ट्रक्चर देखिए, उनके जो भी लैंडलाइन मोबाइल नंबर जो भी है उनको हो सके तो एक बार ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा, ये पार्टी जेन्युइन है कि नहीं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह सारा निकलवा सकते हो। उसके आगे बात आती है कि आपने पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, आपने डीलिंग वगैरह कर ली, आपने परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह मंगवा लिए उनसे, आपने निगोशिएशन कर लिया। अब बात आती है कॉमर्शियल इनवॉइस की, जो वो आपको देते हैं, आपको पेमेंट करना, आप अपने पेमेंट टर्म्स डिसाइड कर सकते हो। अब यहां पे देखा ये जाता है कि इंपोर्ट के अंदर मोस्टली जो भी लोग होते हैं, क्योंकि मैंने जो एक्सपोर्ट में देखा है कि इंडिया वाले क्रेडिट देते हैं, बाकी मोस्टली जो लोग हैं वो जो भी एक्सपोर्ट करते हैं जिस कंट्री से, वो 100% एडवांस मांगते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि 100% एडवांस दो, उसके बाद में आगे की बात करो। यहां पे भी मेरे हिसाब से बिजनेस स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है। इफ यू आर ए कंपनी तो आप उसे कहीं ना कहीं पे कन्विंस कर सकते हो इस चीज के लिए कि वी आर ए कंपनी रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड इन एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए की तरफ से हम रेगुलेटेड होते हैं। तो एक मतलब इसका एक इंपैक्ट मैं बोल सकता हूं कि कंपनी का एक इंपैक्ट होता है, जबकि प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो आपको जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करेगा। अगर सामने कंपनी है तो वो तो डाउट वाली बात ही नहीं है, वो तो यही बोलेंगे कि सर हम तो कंपनी है, आप तो प्रोप्राइटर हो, हम आप पे कैसे भरोसा कर ले, आपको हम पे भरोसा करना चाहिए। तो यहां पे जब कंपनी टू कंपनी डील होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, B2B डील इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, और वहां पे आप एग्रीमेंट्स पुश कर सकते हो, आप लीगली एग्रीमेंट्स वगैरह बना के आप अपने सेलर के साथ में आप एग्रीमेंट बना सकते हो। तो यहां पे मैं अब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे आता हूं कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। IEC की जो कॉपी निकलती है, जो DGFT पे अवेलेबल रहती है, व्यू सर्च के अंदर जाके आपको वो कॉपी निकालनी पड़ती है, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस एक बहुत बड़ा आप ये बोल सकते हो हर्डल होता है इसके अंदर। कस्टम क्लियरेंस का जो पोर्शन है वो बड़ा अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस भी देगा और फर्स्ट डील के अंदर आपको बड़ा हेडेक भी देगा, क्योंकि जब आपका फर्स्ट डील होता है उसी में आपका पहली बार पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी होगा, पहली बार आपका मटेरियल आ रहा है, पहली बार आपके लिए साथ में सब कुछ हो रहा है, तो ये बड़ा एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी भागदौड़ होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं जो कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको लगने वाले हैं।
आपको आईसी का सर्टिफिकेट लगेगा, आईसी डीजीएफटी की डाटा कॉपी लगेगी, क्योंकि कस्टम के ऊपर उसी डीजीएफटी कॉपी के ऊपर वर्किंग की जाती है। आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपने जीएसटी रिटर्न अब तक भरे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जो इनवॉइस मिलती है, जो आपको एक्नोलेजमेंट मिलती है, वो आपको साथ में लगेगी। आईटीआर यहां पे इंपोर्टेंट हो जाता है, अगर आप एज ए कंपनी हो तो कंपनी की आईटीआर दीजिए, अगर आप इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, तो आपको अपनी 3 साल की आईटीआर यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। पैन कार्ड एज ए कंपनी अगर आप हो, प्राइवेट लिमिटेड या जो भी एलएलपी वगैरह हो, तो कंपनी का पैन कार्ड, अदरवाइज इंडिविजुअल पैन कार्ड यहां पे रहेगा, कंपनी के अंदर भी इंडिविजुअल पैन कार्ड आपको लगाना ही है। आधार कार्ड लगेगा। बैंक सर्टिफिकेट जो है, एक बैंक से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो आपको सीएचए, जो भी आपका क्लियरिंग हाउस एजेंट होगा, वो आपको फॉर्मेट देता है, वो आपको बैंक से बनवाना रहता है। इसके बाद एडी कोड सर्टिफिकेट जो होता है, जब आप किसी भी बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करते हो अपनी फर्म के नाम पे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, तो वहां पे आपके अकाउंट के अंदर आपका आईसी अपडेट होता है। आईसी अपडेट होने के बाद में फिर आपका एडी कोड वो लोग जनरेट करके देते हैं, तो एडी कोड सर्टिफिकेट यहां पे लगता है। कैंसिल चेक ऑन द नेम ऑफ फर्म आपको देना है। शिपिंग केवाईसी फॉर्म होते हैं, 2-3 फॉर्म होते हैं जो आपको फिलअप करने पड़ते हैं। कस्टमर इनपुट डाटा फॉर्म होता है, कस्टमर का एक डिक्लेरेशन आप इसे बोल सकते हैं एक तरीके से, इनपुट डाटा फॉर्म मतलब आपको सारी कस्टमर की डिटेल। मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है, जैसे मैंने रिसेंटली एक्सपोर्ट के लिए बताए थे, जो बाकी वीडियोज में आप देख सकते हो, वैसे मैं इंपोर्ट के लिए भी आगे आने वाली वीडियोज के अंदर मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अब यहां पे एक बैंक स्टेटमेंट आपको और देना है, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो यहां पे कुछ ना कुछ पेमेंट आप कर रहे हो। अगर पेमेंट आप कर रहे हो तो पेमेंट के अंदर करने के साथ में जो आप पेमेंट करते हो उसका स्विफ्ट कोड रिसिप्ट आपको मिलती है, प्लस बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन जिसे टीआरएन नंबर कहा जाता है वो आपको मिल जाता है, तो यहां पे वो आपको देना है। फिर आपको जो भी आपके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करवाना है, कंपनी है तो कंपनी का एमओए एओए भी आपको देना होगा। कंटेनर डाटा फॉर्म, जो कंटेनर आपका आ रहा है उसका डाटा फॉर्म आपको देना है यहां पे, कि आपको कंटेनर के अंदर क्या है वो पूरा का पूरा मैं आपको आगे पूरा कंटेनर डाटा फॉर्म दिखाऊंगा। कॉमर्शियल इनवॉइस आपको देनी होती है कस्टम क्लियरेंस के लिए, जो आपको अपने सेलर से मिलती है कॉमर्शियल इनवॉइस, वो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में देना है। बिल ऑफ लैंडिंग जिसे बीएलबी कहा जाता है वो आपको देना रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जहां से आप मटेरियल मंगवा रहे हो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना है। पैकेजिंग लिस्ट रहेगी, कवर लेटर रहेगा, दो तरह के डिक्लेरेशन रहते हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्टर आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। डीडी देना पड़ता है आपको, जो शिपिंग लाइन होती है उनके फेवर के अंदर एक डिपॉजिट अमाउंट, एक सिक्योरिटी अमाउंट के तहत आपको एक डीडी देना पड़ता है। बॉन्ड पेपर आपको बनाने पड़ते हैं, और ऐसे छोटे मोटे ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको देने होते हैं इंपोर्ट करने के टाइम पे। अब यहां पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं इंपोर्ट करने के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जैसे अगर आप स्क्रैप मंगवा रहे हो तो स्क्रैप के अंदर आपको एनवायरमेंट एमओईएफ जिसे कहा जाता है उसका सर्टिफिकेट हो जाता है, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का स्क्रैप मंगवा रहे हो, क्योंकि स्क्रैप एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है, कि आप उसे रीयूज कर रहे हो या फिर उसे डंप कर रहे हो, आप किस प्रोसेस में उसे लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसका सर्टिफिकेट मंगवाना लेना आपको पड़ता है। फिर फूड प्रोडक्ट्स अगर आपको हो तो हमारे जो मेजरमेंट एफएसएसआई है या फिर कुछ और उससे फूड से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्डाइज लाइसेंस होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। इसके अलावा हर प्रोडक्ट के साथ में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप मंगवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपको बीआईएस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसे मतलब हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड मार्कअप किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कस्टम की तरफ से, तो उस प्रोडक्ट को मंगवाने से पहले ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीज याद रखिए, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको कस्टम पे बड़ा इश्यू होगा, कस्टम क्लीयरेंस हो नहीं पाएगा, और वहां पे जो होल्डिंग चार्ज होगा कस्टम का वो बड़ा महंगा होता है। बहुत सारे लोग इसका इंपोर्ट के अंदर इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन का अंदाज नहीं हो पाता है, किस वे के अंदर प्रोडक्ट आना चाहिए उसका अंदाज नहीं हो पाता है, और उनका प्रोडक्ट कस्टम पे अटक जाता है, और जब तक डॉक्यूमेंटेशन उनके प्रिपेयर होते हैं तब तक डैमरेज चार्जेस जो होते हैं वो बड़े ज्यादा हो जाते हैं, वो कई बार मटेरियल वैल्यू से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो बाद में वही प्रोडक्ट वहां पे पड़ा रहता है आपके नाम पे, फिर केसेस चलते रहते हैं, नोटिसेज आते रहते हैं, बहुत सारे लफड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कस्टम के लिए आप लोगों को जब भी इंपोर्ट करना चाहो, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से वो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट क्लियरेंस में आपको चाहिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने चाहिए।
आगे के वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि इसका इंपोर्ट का मैं कुछ 3 से 4 पार्ट बना के आपको हर प्रोसेस, हर स्टेप टू स्टेप, जैसे स्टार्टिंग टू एंड स्टेप में आपको समझा पाऊं। आज के वीडियो को मैं यहीं पे थोड़ा सा पॉज करूंगा, एंड करूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि यहां पे मैं इंपोर्ट को पार्टीशन के हिसाब से आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊं। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे इसी तरीके से प्रैक्टिकल मैनर के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको बताते रहेंगे, और आप अपने घर पे बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये जो बिजनेस है, जो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो आप लोग कर सकते हो। दोस्तों, दुनिया के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है डर। आपको डरना चाहिए, मैं मानता हूं बिजनेस के अंदर डर बहुत जरूरी है, लेकिन बिजनेस में डर इसलिए जरूरी होता है, आपको डरना चाहिए कि आप कोई अनएथिकल चीज ना करें, आप किसी के साथ में बेईमानी ना करें, आप किसी के साथ में कुछ ऐसा ना करें कि आपकी वजह से उसके बिजनेस में लॉस हो। आपको डरना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको डरना चाहिए कि आपने अब तक इस लाइफ के अंदर क्या अचीव किया है। आपको डरना चाहिए कि आप किस तरीके से खुद के जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। आपको डरना चाहिए कि आप किस तरीके से दूसरों से बेहतर बन सकते हो। लेकिन हमारे यहां पे जो डर है वो इस बात का रहता है कि मैं करूंगा तो क्या होगा, मैं ये नहीं करूंगा। दोस्तों, जब तक समुद्र की गहराई में उतरा ना जाए, जब तक पानी की गहराई में ना उतरा जाए, आप बाहर खड़े खड़े किनारे से उसकी वो कितना गहरा है उसकी गहराई नहीं नाप सकते। उसी तरीके से बिजनेस में जब तक आप उतरोगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि बिजनेस क्या है। तो इसके लिए इस डर को आप भगाइए। मैं चेतन कुमार वर्मा हमेशा आप लोगों के साथ में हूं। आपका जो भी डर है उस डर को हम दूर करेंगे। आइए मिलकर एक भारत का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि हमने बहुत कुछ किया, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो किसी देश को गुलाम बना सकता है, और उसका सबसे बड़ा सबूत हमारा ही देश है। हम 200 साल तक गुलाम रहे। जो अंग्रेज आए थे वो किस लिए आए थे? वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार करने ही भारत में आए थे। इसके लिए चलिए एक बार फिर से हम सब लोग साथ में खड़े होते हैं और आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इंपोर्ट के साथ साथ में हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जो पैसा, जो लहू हमारे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए बहाया था, कहीं ना कहीं पे हम कोशिश करते हैं वो सारा का सारा पैसा एक्सपोर्ट के माध्यम से हमारे देश में लाने का। तो मिलते हैं इसी देश भावना के साथ में अगले वीडियो में। जय हिंद।